चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें आने वाले वीडियोस के लिए, और इस पर आपको पूरा इंग्लिश मीडियम का कोर्स मिल जाएगा फुल HD में। चैप्टर नंबर 13 है आपके कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी में यह कंपेयर करना है, रेशो में या परसेंटेज वगैरह में चेंज करना होता है, तो वो आपको कंपेयर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके 13.1 का, बेसिक इसमें आ जाए क्वेश्चन में, सब बेसिक ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। इतना कुछ ऐसा बेसिक सिखाना रहेगा, ऐसा कुछ है नहीं, होगा तो मैं क्वेश्चन के बीच में ही बताता रहूंगा आपको। सबसे पहले है आपके कन्वर्ट फॉलोइंग रेशो, जो रेशो दे रहे हैं टू, इनको आपको परसेंटेज में क्या करना है, चेंज। जब भी किसी रेशो को परसेंटेज में चेंज करना है तो उसको क्या कर दो, आप 100 से कर दो मल्टीप्लाई। पहला काम ये करना पड़ेगा, उस रेशो को लेना पड़ेगा फ्रैक्शन में। देखो ये रहा हमारे पास रेशो, इस रेशो को दो तरीकों से लिख सकते हैं, एक तरीका है 1:4 और एक होता है 1/4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4, ये और ये कोई फर्क नहीं दोनों में, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 का रेशो ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो ये हमारा हो गया रेशो, इसको चेंज करना है आपको परसेंटेज में, तो क्या करना है, ओनली मल्टीप्लाई बाय 100 से क्या करेंगे यहां पर, हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 100 × 100/4। अब 4 का इसमें डिवाइड करना है, पहले जाएगा आपके 2 टाइम, अब रफ का गड्ढा लग के मल्टीप्लाई, फिर 2 बच जाएगा, तो 2 × 0 = 20 हो जाएगा। 4 का डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 टाइम जाएगा, ये आया है 25% आ जाएगा। 100 का 4 डिवाइड करना, 100 का हाफ 50 का हाफ 25, 1/4 करना है। अब ये वाला, इसको भी हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे पहले, फिर क्या करना है, ये तो फ्रैक्शन में हो गया, अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करो 100 से। देखो 3 का 3, अब 100 को 4 से यहां पर मैंने कर रखा है, कितना आया था 25, 4 का डिवाइड 100 में जाता है आपके 25 टाइम, बोलो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आता है आपके 75%। 25 × 50 × 3 = 75% और भी कोई तरीका है तो आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, डिवाइड करना आना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड आपको आता है तो इजीली कर सकते हो, ये नंबर भी ऊपर ही माना जाता है, इनका तो मल्टीप्लाई होता है लेकिन इसका इसमें भी डिवाइड होता है, इसमें भी, तो अगर इसमें कर दिया तो इसमें करने की जरूरत नहीं है, तो या तो इनको पहले मल्टीप्लाई कर दो बाद में डिवाइड कर दो, या पहले डिवाइड हो रहा है तो कर दो फिर मल्टीप्लाई कर दो, जैसे भी करो आपको आना चाहिए मल्टीप्लाई हुए। अब ये वाला, हिमी है जो ट्रेवल कर रही है बाय बस से और बाय ट्रेन से, तो बस से ट्रेवल किया है 240 किलोमीटर और ट्रेन से ट्रेवल किया है 360 किलोमीटर, यही देता है आपके, बस से 240 किलोमीटर, 360 है ट्रेन से। अब आपको रेशो फाइंड करना है ट्रेन का और बस का, ट्रेन से ट्रेवल करने का और बस से ट्रेवल करने का, ये ट्रेवल मैंने लिखा नहीं है, ट्रेवल बाय बस ऐसा लिखना था आपको, तो यहां पर उसको फाइंड करना था, ये ट्रेन का कितना देर का है 360 किलोमीटर और इधर देर का है आपके 240 किलोमीटर। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, रेशो जब भी निकालो, अगर यहां किलोमीटर तो यहां भी किलोमीटर, यहां आवर्स तो यहां भी आवर्स, यहां मिनट तो यहां भी मिनट, यहां सेंटीमीटर तो यहां भी सेंटीमीटर, यहां रुपए तो इधर भी रुपए, इधर किलोग्राम तो इधर भी किलोग्राम, ये चीज ध्यान रखना, मेन चीज है कि जो इधर हो वही इधर होना चाहिए, पहले ये सेम हो गए पहले ये कटेंगे आपके, तो इन दोनों को हमने किलोमीटर को काट दिया, तो ये बचा है 360 और 240, फिर दोनों में 0-0 आ रहा है एक्स्ट्रा, 0 हटा दो तो ये आया है 36 और 24। अब दोनों ही नंबर एक 12 की टेबल में, दोनों नंबर कहां आता है 12 की टेबल में, 12 की टेबल बोलेंगे ना, तो ये 12 की टेबल में आता है 3 टाइम में और ये आता है आपके 2 टाइम में, तो जितना छोटा हो सके छोटा करना है जितना कर सके, और नंबर वही लेना है जिसका डिवाइड दोनों में जाए, एक में जाना काम है, दोनों में डिवाइड जाना चाहिए, ऐसा नंबर आपको लेना है। अब हम करेंगे बस और ट्रेन का, तो उल्टा कर दो घुमा दो, तो क्या हो जाएगा, इधर आपके इधर होगा आपके 2, तो इधर हो जाएगा आपके 3, नहीं जैसे करो सेम काटते हुए ऐसे, मतलब ये इधर लिखना है आपके इधर लिखना है, सेम 0 काटना है सेम डिवाइड करना है, यही आएगा आपके। अब ये करते हैं ट्रेन और टोटल का करते हैं, तो ट्रेन का तो कितना है आपके 360 किलोमीटर
और टोटल कितना है आपके, टोटल दोनों का टोटल करना पड़ेगा तो वो आता है 600। तो यहाँ आएगा आपके 600 किलोमीटर। पहले दोनों का किलोमीटर हटा दो तो ये कितना आएगा 360 एंड 600। पहले सेम वैल्यूज कटेंगे, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल होगा, फिर आपके एक ही जीरो दोनों में एक्स्ट्रा है तो हम 0-0 काट देंगे। दोनों में 6 का डिवाइड जाता है, दोनों में इससे भारी को डबल उससे भी काट सकते हैं, जैसे दोनों में 12 का डिवाइड भी जाता है तो 12 का करेंगे। इसमें जाता है 3 टाइम, इसमें जाता है आपके 5 टाइम। आप तो अगर 2 का 2 ना धीरे धीरे 2 का डिवाइड करते हुए छोटा कर सकते हो, आप इच्छा हो आप जैसा करना मर्जी है जैसे। अब ये वाला करते हैं, तो ये वाला लेंगे पहले 240 किलोमीटर। ये टोटल है, टोटल दोनों की टोटल लेनी है वो होती है आपके 600 किलोमीटर। ऐसे देखो 5 में 3 यहां पर है तो 2 यहां आ जाएगा। अब देखो पहले किलोमीटर डालो 240 एंड 600, फिर 0 एक्स्ट्रा है 0 हटा दो 24 एंड 60। अब दोनों में ही 12 का डिवाइड जा रहा है, यहां जा रहा है 2 टाइम और यहां जा रहा है 5 टाइम। ऐसे इनका रेशो हम निकाल सकते हैं, ये रेशो हो जाएगा। अब चाहो तो इनको परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हो, चाहो तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके, इन ए क्लास 8 क्लास है जिसका 68% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके ग्रेड ए ग्रेड है। क्या ग्रेड है? ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड। तो 68% बच्चों के ए ग्रेड आया और उस क्लास के अंदर लिखा हुआ है ए ग्रेड आउट ऑफ 75 स्टूडेंट, मतलब 75 बच्चों में से 68% बच्चों के क्या आया है, ए ग्रेड आया है। और हमें बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेंड ग्रेड ए। अब यहां जो स्टूडेंट लिखे हैं वो परसेंटेज में लिखे हैं, जबकि हमें वो नंबर में बताना है कि कितने बच्चों के ग्रेड ए लगा। तो यहां सबसे पहले लिखेंगे हम टोटल स्टूडेंट कितने हैं, पहले वो बताना है आपको। यहां से लिखते हैं इस पर टोटल स्टूडेंट जो है वो है आपके 75 और ग्रेड ए वाले कितने हैं, तो यहां लिखेंगे हम ग्रेड ए जिसके आया है वो है 68%। अब जब भी आपको टोटल दे रखा है और परसेंटेज दे रखा है तो करना क्या है, जब भी टोटल और परसेंटेज मतलब टोटल बच्चे परसेंटेज दे रखे हो दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 का डिवाइड कर दो। परसेंटेज जब भी आएगा परसेंटेज के नीचे डिवाइड आएगा 100। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, परसेंटेज फाइंड करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई। परसेंटेज अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर आपके पास परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज अगर आपके दिया हुआ है तो क्या करना है आपको, 100 क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। परसेंटेज ऑलरेडी गिवन है तो इसमें क्या करेंगे, 100 का डिवाइड कर देंगे। ऐसे ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना, बेसिक चीज है। तो ये कह रहा है कि टोटल 75 है, ग्रेड ए कितना है 68%, तो यहां लिखेंगे ग्रेड ए वाले स्टूडेंट आपको फाइंड करने, ये वाले स्टूडेंट क्या करने हैं आपको फाइंड करने हैं। तो ग्रेड ए वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या करने हैं आपको फाइंड करने हैं, वो कितने हैं 75 का क्या आ जाएगा आपके 68% ऑफ 75 का 68%। अब परसेंटेज दिया हुआ तो 100 का डिवाइड लगाना पड़ेगा आपको, ऐसे करना पड़ेगा 68 अपॉन 100। ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, जब भी ऑफ आएगा तो आपको मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों में ही आपके डिवाइड जा रहा है 25 का। अब 25 का यहां डिवाइड जाएगा आपके 3 टाइम और यहां डिवाइड जाएगा 4 टाइम। अब ये होता है 68 into 3 upon 4। अब 4 का डिवाइड इसमें देंगे तो ये जाता है आपके 17 टाइम और 17 3 होता है आपके 51 स्टूडेंट। 51 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके ए ग्रेड लगा है। तो 51 75 में से कितना 51 इनके है ए ग्रेड
और बाकी जो बच्चे स्टूडेंट है जो 70 कितने जो भी बच्चे हैं वो कितने हैं, जैसे मान लो 4 और 3 34 जो है ना उनके ए ग्रेड नहीं है, ए ग्रेड कितने हैं 51 स्टूडेंट। कोई डाउट है तो वो आगे धीरे धीरे आपकी परसेंटेज वगैरह धीरे धीरे क्लियर होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, परसेंटेज जब भी फाइंड करना हो हमें निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब दिया हुआ हो उसी के अंदर 100 का क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे जिससे वो रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा या फ्रैक्शन में सही ढंग से कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, एक कबड्डी टीम ऑफ स्कूल, स्कूल के कबड्डी की टीम हैज वन 15 मैचेस आउट ऑफ टोटल मैचेस। टोटल मैचेस यहां पर गाइड है, पहले टोटल आपने दिया हुआ था, पहला क्वेश्चन था आपके थर्ड वाला उसमें लिखा हुआ टोटल स्टूडेंट 75, यहाँ पर टोटल आपके गाइड है और मतलब समझ लो कि वो ग्रेड वाला ना ए ग्रेड वाला 51 दे रखा है, 75 फाइंड करना है, ये इसमें है आपके मतलब क्या 15 मैचेस आपने क्या किए हैं विन किए हैं टोटल में से। अब टोटल कितने हैं पता नहीं लेकिन यहाँ लिखा हुआ इस विनिंग परसेंटेज, जो परसेंटेज आपका जो दे रखा है वो कितना है 75 है, 75% है आपका विनिंग परसेंटेज। हमें बताना है हाउ मेनी मैचेस वेयर प्लेड बाई टीम, मतलब टीम ने कितने मैच खेले टोटल जिसमें से 15 इन्होंने जीत लिए। तो हुआ क्या है कि संख्याओं ने अपनी जगह चेंज कर ली, मतलब जहां पर आपके 75 था वो वाला फाइंड करना है, जो हमारा एफर आया था उसकी जगह हमारे पास दे रखा है 15 मैचेस, परसेंटेज पहले 68 थे अब आ गए आपके 75, इन्होंने जगह चेंज कर ली है लेकिन आपको माइंड वही रखना है। जैसे यहां पर टोटल मैचेस दिए हुए नहीं, जैसे अभी पिछले में क्या था टोटल स्टूडेंट दिए हुए थे तो हमने यहां लिखा हुआ था ऐसे लिखना है, नहीं दिए हुए ना टोटल मैचेस कम कर लिए, यहां पर एस पर लिखना है और यहां लिखना है लेट टोटल मैचेस, टोटल मैच जो हुए क्योंकि टोटल मैच में क्या होता है हार भी होती है और जीत भी होती है, तो इसके अंदर हार भी है इसके अंदर जीत भी है तो विन भी है और लॉस भी है। टोटल मैचेस हमने कितने मान लिए, माना कि हमने नेक्स्ट मैच खेले क्योंकि देखो 15 जीते हैं तो खेले ज्यादा होंगे तो आंसर आएगा 20, 25, 30 कुछ आंसर आपके आएगा, तो टोटल मैचेस कितने हो गए आपके, हमने मान लिया कि हमने नेक्स्ट मैच खेले होंगे। अब इसका आपको जो विनिंग परसेंटेज है, जो विनिंग है ना विनिंग मैच, विनिंग परसेंटेज जो है ना आपके विनिंग मैच कितने दे रखे हैं आपके 75%। अब आपको बताना है विन मैच, अब कितने आपने मैच जीते, तो देखो कितने मैच जीते इस पर आपको ध्यान देना है कि मैंने कितने मैच जीते, जैसे भी बताया मैंने आपको कितनों के ए ग्रेड आया कैसे निकाला था, एक्स का 75% ऑफ एक्स का 75% जीता, जैसे अभी पिछले में यहां पर आपके दे रखा था टोटल, तो टोटल लिखा था, अब यहां पर क्या है कि हमने जितने भी मैच जीते वो 75% ऑफ एक्स है, एक्स का 75% है, टोटल का 75% है। विन कितने मैच हुए, हमने कितने मैच जीते, हमने 15 मैच जीत लिए। अब परसेंटेज है ना तो डिवाइड लगाओ 100 का ऑफ मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई इनटू यहां क्या आएगा आपके एक्स आएगा। अब चाहे आप यहां लिख दो या आगे लिख दो, आप चाहो लिख दो विन मैचेस, तरीका एक और भी है ऐसे भी आप लिख सकते हो, हमने मैच जीते कितना x का 75% या फिर कह दो हमने कितना मैच जीता, हमने 15 मैच जीत लिए, ऐसे भी लिख सकते हो विन मैचेस 15, अब यहां भी चाहो 15 लिख सकते हो। अब ये इधर आएगा, ये दोनों नंबर है ना उधर जाकर कट जाएंगे उल्टा, एक्स का वैल्यू मतलब कितना टोटल मैच था वो फाइंड करना है तो उधर ट्रांसफर कर दो इनको, तो 100 ऊपर जाएगा और 75 नीचे आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। अब दोनों में ही 25 का डिवाइड जा रहा है, अब यहां डिवाइड जा रहा है आपके 3 टाइम और यहां डिवाइड जा रहा है 4 टाइम, 25 3 जाए 25 4 जाए, अब 3 का डिवाइड इसमें जाता है आपके कितनी बार, 3 का डिवाइड इसमें करेंगे तो ये जाता है 5 टाइम और 4 का 4 तो ये हो जाएगा भी आपके 20 मैच, इसका मतलब वहां पर टोटल 20 मैच हुए थे, 15 हमने जीत लिए और 5 हार गए। क्वेश्चन नंबर 5 है, देयर आर 1275 ट्री इन टोटल इन द फील्ड ऑफ मॉन,
यहाँ पर देखो मोहन के पास, मोहन का जो फील्ड है, मोहन का जो मैदान है, उसमें टोटल ट्री दे रहे थे, टोटल आपके पास पहले ही है, तो आपको वो तो फाइन करने जरूरत नहीं आपके। फिर देयर आर 36% ट्री दैट हैव फ्रूट, इसमें 36% जो है ना वो फ्रूट के हैं। तो हमें बताना है, डिटरमाइन करना है नंबर्स ऑफ ट्री हैविंग फ्रूट इन द फील्ड, फ्रूट के कितने टोटल ट्रीज है वो क्या करना है, नंबर ऑफ ट्री क्या करना है आपको फाइंड करना है। सिर्फ मैंने रखना है कि जो मैंने अभी थर्ड फोर्थ में अपनाया था। पहले यहां पर लिखते हैं आंसर, सबसे पहले लिखते हैं यहां पर हम टोटल ट्री, टोटल ट्रीज जो है ना वो कितने हैं 1275। अब आपको इसमें बताना है कि जो फ्रूट के ट्री है ना वो कितने हैं, ट्री ऑफ फ्रूट, फ्रूट के ट्री कितने हैं, ये दे रखे हैं आपके 36%, लेकिन ये परसेंटेज में है, हमें ये नंबर में निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ ट्री ऑफ फ्रूट, फ्रूट के कितने ट्री है वो आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, यहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है टोटल का 75%, अरे 36%, 36% ऑफ 1275 का 36% है, ये आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरह है पूरा कंप्लीट। तो थर्ड से हो गया, परसेंटेज की जगह डिवाइड में हो जाएगी, यहां पर 100 का डिवाइड लगेगा, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई करना 1275। अब दोनों में ही 25 का डिवाइड जा रहा है, तो पहले यहां डिवाइड 24 का जाता है 4 times, अब यहां करेंगे तो पहले जाएगा 5 times, 25 5 या 125, जबकि 127 है तो 2 बच जाएगा, अब डिवाइड जाएगा 1 time, इसमें 25 का डिवाइड जाता है 51 times और 25 का यहां डिवाइड जाता है 4 times, अब 4 का डिवाइड यहां भी जाता है, 4 का डिवाइड इसमें देंगे तो ये जाता है आपके 9 times, इसका डिवाइड जाता है 9 times और ये है 51, पहले 9 9 और 9 5 जो होता है 45। ये इतने ट्रीज हैं, ये जो ट्रीज है, ट्रीज ऑफ फ्रूट, फ्रूट के ट्री है ये सारे फ्रूट जो ट्री दे रखे हैं वो फ्रूट वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंपनी स्पेंड 75% ऑफ अमाउंट डिपॉजिट इन हर अकाउंट, जितने उसके अकाउंट में पैसे थे उसका 75% क्या करते हैं, इसने डिपॉजिट कर दिया अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो जन धन योजना के अंदर उसने डिपॉजिट कर दी, जितने बैंक अकाउंट में थे उसके पास, उस योजना के अंदर उसने लगा दिए पैसे, लगा दिए जन धन योजना में पैसे लगाए, कितने लगाए 75% लगा दिए। नाउ द अमाउंट लेफ्ट इन हर अकाउंट, अब उसके अकाउंट में केवल 600 रुपए बचे हैं, तो हमें बताना है कि डिटरमाइन व्हाट वाज द अमाउंट डिपॉजिट इन हर अकाउंट, उसके पहले मतलब जब उसने डिपॉजिट किए थे उससे पहले उसके पास कितने रुपए थे। अब देखो यहां पर आपके दे रहेगा 75% और यहां पर अमाउंट दे रहेगा, दोनों में फर्क है, ये 75% है ना, ये इसका नहीं है, 75% है उसमें देखो दो पार्ट है, तो टोटल अमाउंट है ना, टोटल अमाउंट का दो भाग हो गया, 75% उसने क्या कर दिया है, इन्वेस्ट कर दिया है या इस जनधन योजना के अंदर लगा दिया है, बाकी बचा परसेंटेज में बचाया है, बाकी बचा क्या क्या इसने सेव किया है, अब सेव कितना किया उसने 600 रुपीज सेव किया। अब देखो सेव के अंदर सेवर लाइन ही आनी चाहिए, जैसे अगर 75% खर्च किया है तो पीछे रिमेनिंग कितना बचा आपके 25%, क्योंकि टोटल जो होता है ना हमेशा 100 होता है, 100 में से 75 उसको दे जाके पीछे कितना बचा 25% सेव हो जाएगा। तो यहां देखो पहले लिखना है आपको सेविंग अमाउंट, सेविंग अमाउंट जो है ना आपके कितना है, पहले से मान लेते हैं टोटल अमाउंट हमें फाइंड करना है, जो फाइंड कोई नहीं टोटल अमाउंट, जो हर बार टोटल लेते हैं ऊपर टोटल लेंगे, तो यहां लिखते हैं टोटल अमाउंट इन उसका अकाउंट, अकाउंट में कितने रुपए थे, माना कि हमने एक्स मान दिया भाई नहीं, फिर लिखना है भाई आपको सेविंग लिखनी, कितना रुपए इसका सेव मतलब बच गया पीछे रिमेनिंग, यहां से आप कह सकते हो रिमेनिंग अमाउंट भी बोल सकते हो,
या सेविंग कितनी की, इसमें बचा लिए कितने 600 रुपए। लेफ्ट कह लो, यहां सिंपल है, कितना पैसा बच गया यही लिख लो, लेफ्ट अमाउंट। जो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ट्री फ्रूट वाला, वहां भी फ्रूट वाला था, उससे पहले विनिंग के साथ विनिंग था, और उससे पहले जो था आपके ए ग्रेड था, ए ग्रेड था, लेकिन यहां पर लेफ्ट का देर का है, लेफ्ट अमाउंट जो बचा हुआ है 600, और जो इस पक्की है ना ये डिपॉजिट किया हुआ वो वाला है, तो हमें भी यहां पर लेफ्ट अमाउंट है ना, वैसे ही आपको लेफ्ट परसेंटेज भी निकालना है। तो अगर आपको बताना है कि कितना परसेंट आपने लेफ्ट, कितना परसेंटेज है वो निकालना हो, तो हमेशा टोटल परसेंटेज कितने होते हैं, 100 होते हैं, 100 में से आपने 75% कहां दे दिया, आपने ये जन धन योजना में दे दिया, तो पीछे कितना बचा आपके 25%। तो यहां पर भी लेफ्ट अमाउंट है और यहां पर लेफ्ट परसेंटेज है, दोनों सेम हो गए। अब अगर आपको लेफ्ट अमाउंट फाइंड करना है कि कितना मेरे अकाउंट में बचा है, लेफ्ट अमाउंट इन अकाउंट बताना है, वो कितना है, 25% ये है आपके देखो टोटल का, तो यहां क्या लिखेंगे हम, 25% ऑफ एक्स, टोटल अमाउंट है ना उस पर एक्स, ये तो है आपके परसेंटेज के अंदर 25% लेफ्ट है, लेकिन रुपीज में कितना लेफ्ट है, 600। क्वेश्चन को ढंग से समझ के आपको सारे अमाउंट लिखने, यहां पर लोग पिछले वाले क्वेश्चन में सब ए ग्रेड मिल रहा था, विन टू विन परसेंटेज मिल रहा था, लेकिन यहां पर आपके लेफ्ट और ये वाला अमाउंट है ना 75% दे रखा था, वो आपके योजना में लगा हुआ लेफ्ट का परसेंटेज दिया हुआ नहीं था, हमने निकाला है। अब 25 का 25 परसेंटेज है ना, हटा दो क्या लगेगा आपके, डिवाइड 100 का, ऑफ पता होगा मल्टीप्लाई, और यहां होगा आपके एक्स, दोनों में का डिवाइड जा रहा है आपके 25 का डिवाइड जा रहा है 4 times, फिर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कैसे ये वाला ना उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 600 into 4 तो ये आता है आपके 2400 रुपए। हमारे अकाउंट में इतने रुपए थे, हमने 1800 75% का खर्च कर दिए, पीछे आपके पास बचे हैं 600। ऐसे इस अमाउंट को फाइंड करेंगे, हर क्वेश्चन को मैं एक ही मेथड से ले रहा हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। अकॉर्डिंग टू द सर्वे, सर्वे के अकॉर्डिंग 50,000 students अंडर मिड डे मील इन 5 districts ऑफ राजस्थान, राजस्थान की 5 districts के 50,000 बच्चों को सर्वे किया गया। उसमें हमें मालूम चला कि 60% स्टूडेंट जो है ना वो पल्स एंड चपाती पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, और 25% लाइक करते हैं वेजिटेबल एंड चपाती, और जो रिमेनिंग है वो करते हैं खिचड़ी को पसंद करते हैं। तो हमें बताना है खिचड़ी को कितने लोग पसंद करते हैं, ये बताना है, परसेंटेज में ही बताना है, तो सिंपल है, 100% क्या कर दो माइनस कर दो। सबसे पहले देखो यहां पर लिखना है लाइक पल्सेस एंड चपाती, चपाती को और पल्सेस को पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं, 60% स्टूडेंट है। फिर लिखना है लाइक कौन सा, वेजिटेबल, एक तो है वेजिटेबल एंड चपाती, ये पसंद करने वाले कितने हैं, 25%। अगर ये टोटल करते हैं तो ये होता है आपके 85%, 85% बच्चे यही पसंद कर रहे हैं। अब बाकी जो रिमेनिंग है ना वो बच्चे पसंद कर रहे हैं खिचड़ी। तो अगर आपको फाइंड करना है खिचड़ी कितने बच्चे पसंद करते हैं, तो हमेशा सभी परसेंटेज टोटल का जो सम होता है ना वो होता है 100%। तो हम क्या करना, सिंपल है, 100 में से 85 को माइनस कर देंगे और रिमेनिंग बच्चे ऑटोमेटिक क्या आ जाए, खिचड़ी आ जाए, ये आ जाएगा आपके 15%। और आप चाहो तो 15% अगर पूछे स्टूडेंट कितने थे, तो 50,000 का 50% निकाल लेना, 15 × 5 = 75, 7,500 बच्चे आ जाएंगे अगर आप निकालना हो तो। लेकिन जो परसेंटेज पूछा है सिंपल तरीके से हम कर लेंगे, दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस कर देना है, जिससे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।
अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।